चार जिलों को छोड़ कोरोना कर्फ्यू मुक्त हुआ यूपी। नोएडा में आज से खुलेंगे बाजार। अब तक 2,23,00,000 से अधिक लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। राजधानी को पूर्णबंदी से मिलेगी राहत। दिल्ली में आज से दौड़ेगी मेट्रो। ऑड इवन के फॉर्मूले से खुल जाएंगी दुकानें। पंजाब में वैक्सीन घोटाले को लेकर सियासत तेज। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के आवास पर धरना देंगे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। गुजरात में स्कूल कॉलेज की ऑनलाइन पढ़ाई आज से फिर होगी शुरू। 100% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे दफ्तर। आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जंग तेज। बाबा रामदेव का नया बयान, कहा आज से खोलूंगा फार्मा कंपनियों की पोल, जिसकी जो मर्जी है कर लो। राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। मुंबई में बस सेवा आज फिर से होगी शुरू। सीटों से अधिक यात्री नहीं हो सकेंगे सवार, मास्क पहनना अनिवार्य। महामारी के दौर में कालाबाजारी रोकने की कोशिश। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर मुनाफा कमाने की सीमा तय। सभी मैन्युफैक्चरर नया रेट सरकार को देंगे। आयकर विभाग आज अपने नए ई पोर्टल की करेगा शुरुआत। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए करदाताओं को मिलेगी पूरी जानकारी। रेल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। आज से चलेगी लखनऊ अजमेर इंटरसिटी समेत 4 ट्रेन, महामारी की वजह से की गई थी रद्द। और महाराष्ट्र में मानसून ने दी दस्तक। दक्षिण पश्चिम अरब सागर, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, गोवा में होगी बारिश। ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में 15 जून तक पहुंचेगा मानसून।